हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ एक्चुअली ब्लोअर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। आफ्टर ऑल ये साल भी ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर मैं एक्चुअली सब कुछ रिफिल कर रही हूँ, क्योंकि मंथ एंड है, आप जानते ही हैं। तो इस समय जो चीज़ें ख़त्म होती हैं उन्हें देखना भी बनता है, और जो चीज़ें नई लानी है उनके लिए जगह बनानी भी बनती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं बेसन, मैदा, ये सब चीज़ें छोटे छोटे जार्स में या डब्बों में कन्वर्ट करके रख रही हूँ। और आई थिंक आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, हम लोग का मंथ एंड ऑलमोस्टली ऐसा ही जाता है। और आज का ब्लॉग जो है ये है तो पहले का, लेकिन ये जाएगा 31st को। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आई होप कि आपका ये नया साल बहुत अच्छे से बीते। और यहाँ पर मैं एक्चुअली नहाई नहीं हूँ, और उसके बाद मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ब्लोवर तो मैंने निकाला था अर्ली मॉर्निंग में ही। और यहाँ पर अब मैं भर रही हूँ चीनी को। और सबसे बड़ी बात ये कि नया साल आने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि सबके जीवन में ये खुशियाँ लेके आए। और हाँ, डेफिनेटली ये जो साल गया है ये एज़ एक्सपेक्टेड तो नहीं गया है। इनफैक्ट हम लोग को पता ही नहीं चला कि किस तरह से ये साल आया और किस तरह से ये साल गया, लेकिन होपफुली हमारा अगला साल बहुत अच्छा रहेगा। और ये सब करने के बाद एक्चुअली मैं नहा के आ चुकी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं काट रही हूँ केक। और साथ ही ये जो केक है, अगर आपको याद हो तो मैंने क्रिसमस वाले दिन के लिए बनाया था, और साथ में मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चीला। और ये देखिए, सिर्फ इतना ही केक बचा है और इतना मैं ले रही हूँ। और ये केक मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन उन्हें मीठा अवॉइड करना होता है तो वो इस केक को नहीं खाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, जो मैंने लास्टली आपके साथ शेयर किया हुआ है कि बच गया था बैटर, तो सुबह हस्बैंड जी को भी नाश्ते में दिया था। और यहाँ इतनी ठंड है और मैंने बाल धुले हैं, तो इतना ठंडा लग रहा है कि मैं तवे पर ही आँच से सेक ले रही थी। और साथ में मैंने केक भी खाया। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फटाफट से चीला, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ आज सुबह का अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद अपना लंच। तो ये है आज का मेरा सुबह का नाश्ता, चीला विद सॉस, और सेम यही नाश्ता मैंने हनी को भी दिया था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। तो नाश्ता तो मैंने कर ही लिया, आपको मैंने दिखाया ही था अपना नाश्ता। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और अभी बज चुके हैं दोपहर के एक। और एक्चुअली ये देखिए इतना ढेर सारा, ये लगभग 2 किलो के लगभग गाजर है, तो इसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया ही था, मैंने ग्रेट कर लिया है। तो मैं सोच रही हूँ ये बना लूँ, और साथ में बनाने जा रही हूँ बथुए की कचौड़ी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार बनाई थी लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। और मैंने दिखाया था, ले आई थी मैं ढेर सारा बथुआ, तो उसे चुन के मैंने ज़िपलॉक बैग में रख दिया था। तो अभी उसे रख दिया है मैंने वॉश होने के लिए, ताकि एक्सेस मिट्टी उससे हट जाए, और उसके बाद उससे बनाऊंगी कचौड़ियाँ। तो और साथ में बनाऊंगी ये कद्दू आलू की सब्जी, तो इसके लिए भी मैंने तैयारी कर ली है। कद्दू और आलू को, जो छोटी छोटी आलू है इसको बस मैं 2 हिस्से करूंगी, इसको मैंने कर लिया है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करती हूँ और फटाफट से बना लेती हूँ आज दोपहर का लंच। तो सबसे पहले मैं छोंक दूंगी इस हलवे को, और सिंपल सा तरीका है जैसा कि हमेशा ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कढ़ाई में घी, और इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर थोड़ा सा, और जैसे ये हल्का सा महकने लगेगा मैं डाल दूंगी सारी की सारी गाजर। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से अलट पलट के पहले थोड़ा देर स्टीम में पकाऊंगी, और उसके बाद चीनी डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने हलवे को कर दिया है साइड में, और बना रही हूँ कद्दू आलू की सब्जी, जिसके लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ उसमें हींग। और साथ ही में अब मैं डालूंगी जो चॉपिंग बोर्ड में मैंने मिर्ची काट के रखी है उसे, और हल्दी को। साथ में जाएगी थोड़ी सी मेथी, जिसे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं सब्जी तो बना ही रही हूँ। एंड वन थिंग कि एक्चुअली गाजर का हलवा मैं ऑलरेडी आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी तो नहीं कुछ शेयर कर रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था।
तो वो रेसिपी आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हल्दी डालने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है सब्जी को और उसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। और साथ में खड़े हैं हनी, क्योंकि उनकी चल रही हैं छुट्टियाँ और वो इस समय मुझसे बातें कर रहे थे, क्योंकि हलवा, ये सब्जी और बथुए की कचौड़ी तीनों ही हनी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो सब्ज़ी है इसमें मसाला वगैरह नहीं पड़ता है। और आप चाहें तो मैं ये जो खटाई डाल रही हूँ इसमें एक्चुअली लहसुन पड़ा हुआ है, लेकिन आप सिंपल सी जो कली वाली खटाई आती है, ड्राइड जो आती है आम की गुठली को, वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक्चुअली पुदीना, जिसे मैंने सुखा के रखा हुआ है। और इस तरह से जब मैं कुकर में बनाती हूँ तो सब्ज़ी जल्दी और बहुत अच्छी बनती है। तो मैं आजकल कुकर में ही बनाती हूँ ताकि इसमें समय भी कम लगे और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बने। तो चलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने कद्दू की सब्जी आज छौंक दी है कुकर में, और पिछले कुछ बार से मुझे कद्दू की सब्जी कुकर में ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि तो नई आलू है और कद्दू भी बहुत बढ़िया से पक जाते हैं और गल जाते हैं और कम तेल में ही बनते हैं। तो खैर, हलवा मैंने छौंकी दिया है, उसमें चीनी वगैरह भी डाल दी है, और मैंने हलवे की रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, इसलिए मैं आज उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और मैंने लास्टली बनाया था, ये देखिए खोया, तो ये खोया जो बचा है इसका यूज करके मुझे आज इसे खत्म भी करना है। और ये देखिए, ये है ढेर सारा बथुआ एक्चुअली, तो मैं चल रही हूँ इस बथुए को उबालने। और मैंने इसे चुन के तो रख दिया था, लेकिन मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कचौड़ियों की रेसिपी, इसीलिए मैंने अभी तक इसे बनाया नहीं था। तो खैर चलिए, अभी मैं इसे सिर्फ एक कप पानी के साथ उबाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें सारी चीजें डाल के जो मुझे डालनी है इसको ग्राइंड कर लूंगी। तो चलिए, टाइम भी काफी ज्यादा हो रहा है, मैं फटाफट से बना लेती हूँ और इसे चढ़ा देती हूँ उबलने के। दिया है, लेकिन इसे सिर्फ एक सीटी आने तक ही मुझे उबालना है। तो चलिए, सब्जी भी ऑलमोस्टली होने वाली है, तो मैं फटाफट से बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ सब्जी और बढ़िया बथुए की कचौड़ी। तो ये देखिए, सब्जी तो हमारी ऑलमोस्टली डन है और इसमें काफी पानी है, तो अभी हम इसे कर देंगे एक्चुअली ऐसे मैश। तो सब्जी अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं आलू भी पक चुका है, तो इसे मैं कर रही हूँ अच्छे से मैश। और अभी मैं इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राइड कर दूंगी। और हलवे में देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो गया है एक्चुअली चीनी की वजह से, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए किनारे कितना ज़्यादा पानी दिख रहा है ये। तो इस पानी को अब मुझे सुखाना है, और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब मैं डाल दूँगी खोया। और ये बथुआ है जिसमें बस कभी भी सीटी आ सकती है, तो बस ये सीटी हो जाए उसके बाद हम बना लेते हैं कचौड़ी। तो जब तक ये हो रहा है मैं इसको कर लेती हूँ ड्राई और साथ ही मैश। तो ये देखिए, वो बथुआ जो मैंने उबाल लिया है, हालांकि अभी गर्म है, तो इसी में से थोड़ा सा बथुआ मैं लूंगी। सो ये है, और इसे डालेंगे इसके अंदर। और एक्चुअली मैं सारा बथुआ अभी नहीं ब्लेंड कर रही हूँ, तो इस बथुए को मैं डाल रही हूँ इसमें, और साथ ही इसमें जाएगा ये 4 से 5 कलियां ये लहसुन की, और थोड़ा सा स्पाइसी रहे इसके लिए मैं डाल रही हूँ ये थोड़ी सी मिर्चें, जिन्हें मैंने छोटे छोटे पीसेस करके रखे हुए हैं। तो अब इन सबको मैं पीसूंगी, लेकिन साथ में जाएगा जीरा। सो ये जाएगा 1 चम्मच जीरा भी। अब इन सबको मैं ब्लेंड कर लूंगी और उसके बाद बनाते हैं कचौड़ियाँ। सो ये देखे फ्रेंड्स, फाइनली हलवा ऑलमोस्टली तैयार है, और मैं डाल रही हूँ उसमें खोआ, और यहाँ पे मदद कर रहे हैं मेरी हनी। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। सो ये देखे फाइनली गाजर का हलवा एकदम बढ़िया से तैयार हो चुका है। और ये देखिए,
हनी खड़े हैं एकदम तैयार कि हम बस सीधे कढ़ाई में से ही लेंगे, मुंह मत जला लेना। इसलिए तो कम लिया। देखिए आराम से सब्जी खाएगा। हाँ इसीलिए बोल रहे थे मुंह मत जला लेना। ठीक है, और ये दिखाती हूँ मैं, ये देखिए इस कटोरी में सब्जी, और ये देखिए ये हनी के उंगलियों के निशान। अरे तो मतलब वो ये आप समझ सकते हैं इस चम्मच को देख के कि कैसे खाया गया है। मैंने नहीं खाया, मम्मी ने किया। ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है साफ साफ। तो खैर यहाँ पर एक्चुअली मैंने इतना ही बथुआ छोड़ा है क्योंकि मुझे इसका दूसरी रेसिपी में यूज करना है, और फिलहाल ये गर्म भी है। अभी आप देख सकते हैं कितने अधिक इससे स्टीम निकल रही है। और ये देखिए ये है वो बथुआ जिसको मैंने प्योरी कर लिया है, और अब मैं चल रही हूँ आटा लगाने। तो फटाफट से मैं आटा लगा लेती हूँ कचौड़ियों के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये नमक, और इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। सो अब हम इसमें डाल देंगे मोयन, जैसे आप नॉर्मली पूरी के लिए लेते हैं वैसे ही हमें मोयन यहाँ लेना है। और अब ये जो प्यूरी है ये, सो ये जो प्यूरी है इसे मैं इसके साथ ही डाल दूंगी। और अब मुझे गूंथ लेना है कचौड़ियों के लिए आटा। सो ये देखिए ये जो बथुए की प्यूरी है इसका तो मैं यूज कर ही रही हूँ, और साथ ही ये देखिए उबालते समय बथुए को ये जो हमारा पानी है इसका यूज भी हम इसी में कर लेंगे ताकि ये पानी वेस्ट ना हो। और फिर भी अगर ये पानी बच जाए तो उसे हम सब्जी या दाल वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए आटा मैंने लगा लिया, बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट, और कितना ग्रीन ग्रीन हो रहा है। तो चलिए बना लेती हूँ मैं कचौड़ियाँ। तो ये देखिए तैयार हो गई हमारी गर्मा गर्म बथुए की कचौड़ी, और ये देखिए ये है हमारा आज दोपहर का बढ़िया सा लंच, कद्दू की सब्जी, गाजर का हलवा, और साथ में है कचौड़ियाँ। सो फ्रेंड्स यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ अपना आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलती हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।